हेलो स्टूडेंट, फिजिक्स लेक्चर 6 इलेक्ट्रोस्टैटिक विद फारूक त्यागी। प्रीवियस लेक्चर में हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर चुके हैं। नाउ वी विल स्टार्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक मीन्स चार्ज और फील्ड मिस होता है रीजन और स्पेस। तो हम डिफाइन कर सकते हैं, जैसा कि नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज ए स्पेस और रीजन अराउंड ए चार्ज इन विच अनदर चार्ज एक्सपीरियंस्ड एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक। और इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एक रीजन या स्पेस है किसी गिविन सोर्स चार्ज के चारों ओर का, यानी कि समथिंग प्रोड्यूसेस अराउंड ए गिविन सोर्स चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे कि डिफाइन किया गया है, दो डेफिनेशन मैंने यहां पे बताई, समथिंग produces around a charge is called electric field, or it is a space or region around a source charge in which another charge experienced an electrostatic force. अब इस electric field के लिए एक वेक्टर क्वांटिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के नाम से ही हमें पता चल रहा है कि किस इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना इंटेंस है, इस बात को हमें फाइंड आउट करना है। तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो कैलकुलेट करेंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पर फाइंड आउट करेंगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए या इलेक्ट्रिक फील्ड कितना इंटेंस है उस पॉइंट पर, ये फाइंड आउट करने के लिए उस पर हमें एक टेस्ट की जरूरत पड़ेगी उस पॉइंट पर, और उस टेस्ट के लिए हम मानेंगे एक टेस्ट चार्ज। अब ये टेस्ट चार्ज क्या होता है? ये टेस्ट चार्ज एक वेरी स्मॉल चार्ज होता है जिसका अपना कोई भी सिग्निफिकेंट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइंड एज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट चार्ज। इस यूनिट चार्ज यानी कि दिस इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज या वन कूलम चार्ज। बाय डिफॉल्ट हम इसको वन कूलम चार्ज लेट करेंगे बाय डिफॉल्ट। हालांकि वन कूलम चार्ज एक बहुत बड़ा चार्ज है, बट बाय डिफॉल्ट हम लेके चलते टेस्ट चार्ज की वैल्यू वन कूलम फॉर द सिंप्लीफिकेशन ऑफ आवर कैलकुलेशन एट एनी पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे डायग्राम में हमने दिखाया गया है, कोई प्लस क्यू सोर्स चार्ज है जिसका इसके अराउंड में फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट पी कंसीडर किया है जहां पर हमें फाइंड आउट करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हम इस पर वन कूलम चार्ज यानी कि एक टेस्ट चार्ज रखा मान लेंगे। तो पॉइंट पी का कोई अपना ऑन सिग्निफिकेंट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, ओनली सोर्स चार्ज ही इस पर फोर्स अप्लाई करेगा। तो सोर्स चार्ज इस पर जितना फोर्स अप्लाइड कर रहा है
उस फोर्स को ही हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज, और टेस्ट चार्ज की वैल्यू ये होती है 1 कूलम। टेस्ट चार्ज की वैल्यू 1 कूलम। तो हम देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो किसके इक्वल होगी, फोर्स के। अब हम बाय फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसकी यूनिट बता सकते हैं। इसकी यूनिट होगी फोर्स की यूनिट न्यूटन, और चार्ज की यूनिट होती है कूलम, तो इसकी यूनिट हुई न्यूटन पर कूलम। और पॉपुलर यूनिट, दिस इज द इंपॉर्टेंट यूनिट, वोल्ट पर मीटर। आगे हम ये फॉर्मूला पढ़ेंगे कि कहां से ये यूनिट हमने निकाली है, तो आगे डिस्कस करूंगा मैं इसको। दो यूनिट है, न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर। दोनों यूनिट में जो मोस्ट पॉपुलर यूनिट है वो वोल्ट पर मीटर है। CBSE में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कितनी ही बार क्वेश्चन ये पूछा भी गया है कि राइट द नेम ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी विच हैज द यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो वी कैन राइट वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट है। डायमेंशन, न्यूटन की डायमेंशन ऊपर लिखिए आप, और चार्ज की डायमेंशन नीचे, जैसे AT, और ये आप कैलकुलेट करो तो MLT की पावर -3 A की पावर -1 आ जाएगी यूनिट। क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी है। सिग्निफिकेंस क्या है इसका, सिग्निफिकेंस है स्टूडेंट कि पॉजिटिव अगर चार्ज है तो उस पर लगने वाले फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड, ये फोर्स हुआ, फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा सेम होती है। बट निगेटिव चार्ज पर लगने वाले फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो ये डायरेक्शन का फंडा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और हमें वेक्टर की डायरेक्शन को डिफाइन करना आना चाहिए। तो हमेशा पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाले फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम होती है, जबकि निगेटिव चार्ज पर लगने वाले फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट होती है। तो आगे हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो वेरिएशन है वो डिस्टेंस के साथ कैसा है। तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला यहां से निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए गिवन सोर्स चार्ज क्यू एट एनी डिस्टेंस आर। डायग्राम में दिखाया गया है कि एक सोर्स चार्ज क्यू है जिसका इसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक पॉइंट पी लिया गया है जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। इसलिए बाय डेफिनेशन हम इस पर 1 कूलम का चार्ज रखा मान लेंगे। दिस इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज के बारे में मैंने पहले भी बताया कि टेस्ट चार्ज एक बहुत वेरी स्मॉल चार्ज है जिसका कोई भी अपना इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, या ये कह सकते हैं आप कि ये टेस्ट चार्ज किसी अदर चार्ज पर कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता। तो एक सोर्स चार्ज है आर डिस्टेंस पे, एक पॉइंट पी है जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए ये जरूरी है कि हम टेस्टिंग करने के लिए इस पे 1+1 कूलम चार्ज रखा मान लेते हैं। अब ये सोर्स चार्ज इस पर एक इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स अप्लाई करेगा। उस इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स को हमने निकाला बाय कूलम्स लॉ, एफ इक्वल टू कैपा क्यू मल्टीप्लाई 1/r², यानी कि q1 q2। q1 क्या है, q और q2 क्या है, +1। ये प्लस का सोर्स चार्ज है, ये प्लस का टेस्ट चार्ज है, दोनों के बीच रिपल्सन होगा। तो इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स की वैल्यू अलोंग AP होगी, यानी कि डिस्टेंस इंक्रीज होगा।
ए और पी के बीच का। तो एफ इक्वल टू हमें फॉर्मूला मिला कैपा क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये निकाला हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन सोर्स चार्ज एंड टेस्ट चार्ज के बीच। नेक्स्ट सेकेंड स्टेप में स्टूडेंट हमें फाइंड आउट करना है पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सोर्स चार्ज एट पी बाय डेफिनेशन इक्वल टू एफ बाय क्यू नोट। फॉर्मूला होता है इक्वल टू एफ बाय क्यू नोट। क्यू नोट की वैल्यू हमने 1 कंसीडर की है और एफ की वैल्यू बाय फर्स्ट स्टेप से पुट किया कैपा क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो नेट फॉर्मूला हमें ऑप्टेंड हुआ इक्वल टू कैपा क्यू अपॉन आर स्क्वायर। कैपा की वैल्यू है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट फॉर एयर और 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के फॉर मीडियम। तो इट इज क्लियर दैट फॉर ए गिवन सोर्स चार्ज ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो इट इज क्लियर दैट एज डिस्टेंस इंक्रीजेस बिटवीन द सोर्स चार्ज एंड द टेस्ट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑल्सो डिक्रीजेस। तो ये एक ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं हम ई और आर में। तो एक ग्राफ एक हमें आपका कर्व मिलेगा, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मिलेगा। तो ये ई और आर में ये ग्राफ हमें बता रहा है जैसे जैसे डिस्टेंस हमारा इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे फील्ड हमारा डिक्रीज हो रहा है। तो यहां डायरेक्शन की बात करते हैं, अगर सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एपी होगा यानी कि डिस्टेंस इंक्रीज और फील्ड डिक्रीज होगा। और अगर सोर्स चार्ज हमारा निगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन अलोंग पी ए होगी यानी कि अट्रैक्शन होगा। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से निकलता है, ये फॉर्मूला हमने केवल हम ये फॉर्मूला जो अप्लाई कर सकते हैं पी पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड बता सकते हैं। तो पी पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर कितना कैपा क्यू अपॉन कितना बता सकते हैं आर स्क्वायर इफ डिस्टेंस बिटवीन ए एंड पी इज आर। एंड सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू कैपा क्यू अपॉन आर स्क्वायर। स्टूडेंट यहां से नोट रखनी एक बात, हम मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर रहे हैं तो मैग्नीट्यूड में इधर भी प्लस क्यू चार्ज लेंगे और माइनस क्यू चार्ज का मैग्नीट्यूड प्लस क्यू ही आएगा। कुछ स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि ये माइनस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला तो निगेटिव क्यों नहीं आया। तो ऑलवेज हमें पॉजिटिव ही रखना है क्योंकि मैग्नीट्यूड में हम वैल्यू लिख रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पर सोर्स चार्ज से आर डिस्टेंस पर ये कैपा क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला केवल सोर्स पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। अगर हम एक एक्सटेंडेड चार्ज बॉडीज ले ले जिस पर चार्ज है गिवन है सरफेस पर और उससे हम आर या एक्स डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करें तो दिस फॉर्मूला इज नॉट एप्लीकेबल यानी कि कैपा क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इज नॉट वैलिड यानी कि दिस मेथड इज नॉट वैलिड और यूज्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सटेंडेड चार्ज बॉडीज। एक्सटेंडेड चार्ज बॉडीज के लिए ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है, केवल यह फॉर्मूला पॉइंट चार्ज के लिए ही वैलिड है किसी डिस्टेंस। नाउ एप्लीकेशन देख लेते हैं हम इसके ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के ऊपर एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन में क्या है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ओ यानी के सेंटर पे एट द सेंटर ऑफ ए स्क्वायर हैविंग साइड स्मॉल ए। स्क्वायर की साइड स्मॉल ए है सपोज इन फिगर। तो स्टूडेंट डायग्राम में के वर्टिस स्क्वायर दिखाया गया है जिसकी साइड ए है और इस स्क्वायर के
वर्टिसेस पर फोर पॉइंट चार्ज रखे हुए गए हैं, ए पर प्लस क्यू, बी पर प्लस क्यू, सी पर माइनस क्यू और डी पर माइनस क्यू। अब हम उस पॉइंट को नोट करेंगे जहां पर हमें नेट फील्ड फाइंड आउट करना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नेट फील्ड फाइंड आउट करना है सेंटर पर, ओ पॉइंट पर। ओ पॉइंट पर फील्ड की डायरेक्शन हम मेंशन करेंगे, तो पॉइंट ओ पर प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन आएगी वो आएगी टुवर्ड्स सी, यानी कि ए टू सी। एंड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट पॉइंट सी, दोनों के बीच यहां पर बताया था इससे पहले, जहां भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी होती है वहां पे प्लस वन कूलम का चार्ज रखा मान लेते हैं फॉर टेस्ट। तो प्लस क्यू और प्लस वन के बीच रिपल्सन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स सी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, एंड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज ऑल्सो द डायरेक्शन टुवर्ड्स सी। तो ए की जो फील्ड इंटेंसिटी है और सी की जो फील्ड इंटेंसिटी है विल बी एडिड, जैसा कि दिखाया गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टुवर्ड्स सी इक्वल टू ई ए प्लस ई सी, क्योंकि बाय सिमेट्री सिटी से ओ ए की वैल्यू इक्वल है ओ सी के और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज भी सेम है, इसलिए दोनों फील्ड की वैल्यू सेम होगी। तो लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ ई ए कितनी होगी अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, ओ और सी या ओ और ए के बीच का जो डिस्टेंस निकालेंगे ओ ए की वैल्यू आएगी आपकी ए सी बाय टू, बिकॉज द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर बाइसेक्ट एट 90 डिग्री, एंड ए सी की वैल्यू आप बाय पाइथागोरस से, ये एंगल 90 डिग्री है, ये ए है, ये भी वैल्यू ए है, तो हाइपोटेनियस ए सी या बी सी की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें रूट टू ए स्क्वायर, तो ये वैल्यू हम इजीली ए सी की वैल्यू हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ओ ए की वैल्यू हम इजीली यहां से आ जाएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू हमें मिलेगी टू कैपा क्यू अपॉन ओ ए स्क्वायर, और ओ ए की वैल्यू कितनी आएगी ए बाय रूट टू, तो ए बाय रूट टू का होल स्क्वायर आ जाएगा। सिमिलरली अब हम माइनस क्यू चार्ज की वजह से देखेंगे ओ पर फील्ड कितना होगा, और प्लस क्यू चार्ज की वजह से फील्ड देखेंगे, तो दोनों की वजह से फील्ड टुवर्ड्स डी होगा, तो ये फील्ड भी बाय सिमेट्री सिटी हम लिखेंगे एज इट इज। सिमिलरली हमें ऊपर की तरह मिल जाएगा टू कैपा क्यू ए बाय रूट टू का होल स्क्वायर, यानी कि ओ बी और ओ डी का होल स्क्वायर, तो ये वैल्यू हमें कितनी मिलेगी 4 कैपा क्यू अपॉन ए स्क्वायर, दोनों वैल्यू ये सेम मिल जाएगी हमें 4 कैपा क्यू अपॉन ए स्क्वायर। अब क्योंकि ये जो फील्ड है E1 और E2 दोनों मैग्नीट्यूड में सेम है, और दोनों के बीच का एंगल कितना है, दोनों के बीच का एंगल है 90 डिग्री, तो इनका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से होता हुआ जाएगा अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ टू वेक्टर्स। तो E1 इक्वल टू E2 एंड थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, सो नेट फील्ड एट सेंटर इज गिवन बाय द फॉर्मूला 2E1 cos थीटा बाय 2। E1 की वैल्यू पुट अप करो यहाँ पर, वैल्यू रखने के बाद कैलकुलेट कर लेंगे cos 45 डिग्री, cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, एंड कैलकुलेशन करके रिजल्ट हमें मिलेगा 4√2 कैपा क्यू अपॉन ए स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ओ इन द फिगर, स्क्वायर शो किया गया है और वर्टिसेस पर फोर चार्ज रखे हुए हैं, सभी चार्जेज का मैग्नीट्यूड सेम है, तो अगर हम ए चार्ज की वजह से देखें, ए पर रखे हुए चार्ज की वजह से देखें,
ओ पर फोर्स, तो वो रिपल्सन का मिलेगा टुवर्ड्स सी मिलेगा एफ ए, और सी पर जो चार्ज प्लस क्यू रखा हुआ है उसकी वजह से जो फोर्स मिलेगा वो हमें मिलेगा रिपल्सन का टुवर्ड्स ए की तरफ। एंड सिमिलरली एट चार्ज बी एंड चार्ज एट डी, इनकी वजह से तो सभी फोर्सेस एक सेम एंगल पर, 90-90 डिग्री के एंगल पर इंक्लाइंड है आपस में, तो ये इक्विलिब्रियम में हो गए। ड्यू टू सिमेट्रिसिटी, सिमेट्रिसिटी की वजह से नेट फील्ड हमारा कितना आ जाएगा, जीरो। एफ ए कैंसिल करेगा एफ सी को और एफ बी कैंसिल करेगा एफ डी को। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो विथ फारूक त्यागी।